नमस्कार, आपका स्वागत है आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। छत्तीसगढ़ पटवारी सहायक ग्रेड 3 डाटा एंट्री ऑपरेटर कंप्यूटर ऑब्जेक्टिव के 25 क्वेश्चन जो कि प्रैक्टिस सेट रहेगा आपका, जो आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिल सकता है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज्वाइन कीजिए और सब्सक्राइब और लाइक करते चले। कंप्यूटर का पहला प्रश्न आपको डायरेक्ट बताएंगे, आंसर कराते चलेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, चीन में सबसे प्रसिद्ध सर्च इंजन निम्न में से कौन सा है? तो चीन में सबसे प्रसिद्ध सर्च इंजन कौन सा है? बैदू ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सीजी व्यापम एजीडीओ 2018 का प्रश्न है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर अगला प्रश्न है, कौन सा चीन का एक प्रचलित सर्च इंजन है, मतलब प्रचलित सर्च इंजन है? तो कौन सा होगा? बैदू होगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। ये व्यापम का आर आई यानी कि रिवेन्यू इंस्पेक्टर में पूछा गया 2017 का सवाल है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पर अगला प्रश्न आ जाएगा। देखिए यहाँ पर खोज इंजन बैदू कहाँ से है? तो कहाँ से किया गया था इसका खोज? चीन से किया था। इसका आंसर डी हो जाएगा। ये सी जी व्यापम LOI यानी कि लेबर इंस्पेक्टर का है क्वेश्चन। इसके बाद देखते हैं, ये भी लेबर इंस्पेक्टर का क्वेश्चन है, याहू गूगल और MSN क्या है? तो ये क्या है? ये इंटरनेट साइट है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पर देख सकते हैं कि अल्ताविस्टा क्या है? तो अल्ताविस्टा क्या है? यहाँ पर एक सर्च इंजन है। तो इसका आंसर सी होगा। ये भी व्यापम का प्रश्न है। जितने भी आज कंप्यूटर का 25 होगा, 25 टॉप MCQ कराऊंगा, वो व्यापम से ही है जो बार बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। चलिए देखते हैं इसके बाद अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो आप सभी को पता है कि सर्च इंजन कौन सा नहीं है, HTML, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और कौन कौन सा सर्च इंजन है? तो आप देख सकते हैं, याहू गूगल और अल्टाविस्टा, ये क्या है? सर्च इंजन है। लेकिन यहाँ प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सा सर्च इंजन नहीं है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा? डी होगा, एक सर्च इंजन नहीं है। ये व्यापम का 2017 का है। मैं आप सभी को पूरा व्यापम का ही क्वेश्चन कराऊंगा जो कि पिछले वर्ष पूछे गए प्रश्न हैं, 2-3 साल 4 साल से रिपीट हुआ क्वेश्चन है, आपको तैयारी के लिए बहुत ही काफ़ी हेल्प हो सकता है। देखिए इसके बाद अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए यहाँ पर अल्ताविस्टा एक क्या है? एक अल्ताविस्टा एक सर्च इंजन है, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है, तो माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है, तो देखिए यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? बिंग एक सर्च इंजन है। बाकी देखिए यहाँ पर अल्ताविस्टा और गूगल एक सर्च इंजन नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट के लिए पूछा गया है। ओके, चलिए देखते हैं यहाँ पर अगला प्रश्न, सर्च इंजन का उपयोग है, तो सर्च इंजन का उपयोग कहाँ किया जाता है? डॉक्यूमेंट में किया जाता है। तो इसका आंसर भी हो जाएगा, सर्च डॉक्यूमेंट। इसके बाद अगला प्रश्न है, सर्च इंजन से प्राप्त कर सकते हैं, तो सर्च इंजन से क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं? वीडियो प्राप्त कर सकते हैं, इमेज प्राप्त कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट प्राप्त कर सकते हैं, मतलब इसका आंसर सभी होगा। तो उपयुक्त तो सभी आ जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं अगला प्रश्न क्या है, एक सर्च इंजन एक प्रोग्राम है जो सर्च करता है, तो क्या सर्च करता है? अंकित सर्च टर्म के सूचना के लिए वेब पेज को सर्च करता है। क्या करता है? वेब पेज के लिए, ठीक है। इसका आंसर कौन सा होगा? डी होगा। मतलब एक सर्च इंजन एक प्रोग्राम को क्या सर्च करता है? वेब पेज के लिए, सूचना के लिए, ठीक है, सूचना के लिए, डाटा को सूचना में परिवर्तित करना। ओके, चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं जो कि पटवारी 2017 में पूछा गया प्रश्न है, कौन सा प्रोग्राम एक सर्च इंजन नहीं है? आप सभी को पता है कि एक सर्च इंजन नहीं है। इसके पहले आप लोग को क्वेश्चन कराया था कि एक सर्च इंजन कौन कौन सा है, तो देखिए यहाँ पर बींग, याहू और गूगल एक सर्च इंजन है, लेकिन प्रश्न में पूछा है कि सर्च इंजन नहीं है, तो सर्च इंजन कौन सा नहीं है? ओपेरा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। यह पटवारी 2017 में पूछा गया प्रश्न है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर अगला प्रश्न क्या कहता है कि गूगल डैश डैश में दुनिया का सबसे बड़ा खोज इंजन बन गया है, कौन सा सन में बना था वो? चलिए आप बताइए जल्दी। जून 2000 में पूछा गया था, सॉरी
देखिए यहाँ पर गूगल में दुनिया का सबसे बड़ा खोज इंजन बन गया था, तो जून 2000 में बना था। ये देखिए यहाँ पर ये डाटा एंट्री ऑपरेटर CHPCACL के 2019 में पूछा गया सवाल है, यानी कि अभी जस्ट ये हुआ था डाटा एंट्री ऑपरेटर में बिजली विभाग के लिए, वहाँ का ये प्रश्न है। इसके बाद देखते हैं व्यापम के लिए, इनमें से किस वर्ष गूगल स्थापित हुआ था, तो कौन सा वर्ष गूगल स्थापित हुआ था, आप सभी को पता है कि 1998 में गूगल स्थापित हुआ था। ओके चलिए इसके बाद देखते हैं यहाँ पर अगला प्रश्न है, गूगल सर्च आपको निम्न प्रकार से खोज करने की अनुमति देता है, तो कौन सा, देखिए यहाँ पर कौन सा प्रकार से है जो खोज करने की अनुमति देता है, तो आप टेक्स्ट कर सकते हैं, वॉइस कर सकते हैं, इमेज कर सकते हैं, ये सभी, ये गूगल सर्च इंजन है जो आपको निम्न तरह के खोज के लिए अनुमति दे सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन विशेषकर वैज्ञानिक सूचना के लिए है, तो इसके लिए ऑप्शन बी होगा, क्या हो जाएगा, सर्कस, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है कंप्यूटर का, गूगल, याहू और अस्क ये क्या है, एक सर्च इंजन है, आप सभी को पता है, जस्ट मैं आप लोग को अभी बताया था कि सर्च इंजन क्या क्या है ना। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर, ये जितना भी क्वेश्चन कर रहा हूँ पूरा व्यापम से ही है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन है, तो गूगल भी एक सर्च इंजन है, ठीक है, आप सभी को बताया था गूगल, याहू और एमएसएन क्या एक सर्च इंजन है। यहाँ पर देखिए गूगल, याहू और अस्क सर्च इंजन है, वैसे यहाँ पर भी पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन है, तो गूगल होगा, है ना, सर्च इंजन। लेकिन इंटरनेट, फ्लैश और फायरफॉक्स ये सब सर्च इंजन नहीं है, ऑप्शन में ये भी देख सकता है कि कौन सा सर्च इंजन नहीं है, तो आपको इंटरनेट या फ्लैश या फायरफॉक्स ऑप्शन में रहेगा तो आप टिक लगा सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर कंप्यूटर से, किसी सर्च इंजन की सहायता से वाक्यांशों को खोजने का मानक तरीका क्या है। अब देखिए यहाँ पर कोई एक सर्च इंजन है, उसकी सहायता से आपके वाक्यांश को खोजने का मानक तरीका क्या है, ये पूछा गया है, तो इसका आंसर सी होगा, उद्धरण चिन्ह के मध्य वाक्यांश लिख कर। ओके उद्धरण चिन्ह के मध्य वाक्यांश को लिख कर, ये आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, दोस्तों यहाँ पर आप सभी के लिए 25 टॉप MCQ कराए हैं, इसके बाद पार्ट टू वीडियो में कंप्यूटर, हिंदी और सामान्य ज्ञान से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा, जो कि आपके आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। जैसे यहाँ पर देखिए पटवारी का तो मैं करा ही रहा हूँ, इसके बाद जस्ट एग्जाम आने वाला है सहायक ग्रेड 3 डाटा एंट्री ऑपरेटर का संयुक्त भर्ती का, इसके लिए आपको बहुत ही अच्छी तैयारी करना होगा, तो चैनल पर जुड़े रहें। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।